नर्मदा राइज मिल संचालक पर करोड़ों की गड़बड़ी करने के आरोप में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिल को सील कर दिया है। वहीं इस मामले पर मिल संचालक ने कार्रवाई को महज राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए आरोपों को निराधार बताया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में नर्मदा राइस मिल के संचालक पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है, जिसमें संचालक ने मध्य प्रदेश के स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से 282 लॉट धन लिया था, लेकिन इसके बदले में सिर्फ 222 लॉट चावल ही जमा किए और 60 लॉट धन की चपत लगा दी, जिसकी शिकायत पर ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की। नॉन विभाग के डीएम मुकुल त्रिपाठी ने कहा कि स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से धान के लॉट नहीं जमा करने की शिकायत की गई थी, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए मौके पर 30 लॉट धन कम पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ है। वहीं राइस मिल के संचालक ने प्रशासन की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा इनकी जांच की गई थी, इनके पास शासन से द्वारा उठाए गए धान कम पाई गई है, उस संबंध में शायद मुख्यालय से प्राप्त हुए हुए निर्देश तो कलेक्टर साहब द्वारा मुझे साथ में भेजा गया टीम के। राइस मिल थी 2 तारीख को, 2/5 को राइस मिल नर्मदा राइस मिल में आई हुई थी, उनने स्टॉक वेरिफिकेशन किया। स्टॉक वेरिफिकेशन में उन्होंने जो काउंटिंग की हमारे इधर, उनने लगभग काउंटिंग की है, एक अनुमानित काउंटिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें अभी जो धान मिल रही है वो ओपन केप चांदपुर से मिल रही है और चांदपुर की स्थिति सबको पता है। उस चावल में आउट टन रेशो 67% आता ही है, 58% 59% रेशो आ रहा है, उसके मान से मेरे इधर कुछ लॉट कम पड़ गए होंगे। मेरा अनुबंध जो है वो तीसरे महीने से लेकर 6वें महीने तक 3 महीने का मैंने अनुबंध किया हुआ है। इन लोग या तो पहले बता देते कि एक बोरी भी कम होगा तो हम FIR दर्ज कर देंगे, तो हमको करना होता तो करते, नहीं करना तो ये पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। और जहां पर मेरी घरवाली ने मेरी लिख के दे दिया है कि मेरी मिल का संचालन सभी प्रकार की जो लेन देन है वो मेरे पति करेंगे, अनुबंध मैंने किया है सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से, इन्होंने जबरदस्ती मेरी पत्नी को उसमें इन्वॉल्व करके फंसाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।